मेरा ख्याल है वक्त के बदलावों के मद्देनजर भ्रष्टाचार पे भी हमें एक चैप्टर रखना चाहिए. क्या मजाक कर रहे हैं आप? हर मीटिंग में आप इसी बात की रट लगाए रहते हैं. मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस. हमारे सिलेबस में कुछ तो ऐसा हो जो हमारे वक्त रिलेवेंट हो. और क्या होगा इस चैप्टर में? करप्शन कैसे किया जाता है, इसका मेथड क्या है, क्या बच्चों को भ्रष्टाचार करना सिखाना है? अरे साहब, करप्शन की हमारे एजुकेशन में रेलेवेंसी क्या है? आप एक बार बताइए, हमारे सिलेबस में जो अभी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनकी रेलेवेंस क्या है? अरे, इससे ये पता चलता है कि हम कहां से चले थे और आज कहां पहुंचे हैं. मानव सभ्यता का विकास. कम ऑन, हम आपकी हिस्ट्री क्लास नहीं लेना चाहते. उसी विकास की यात्रा जिसकी बात अभी आप कर रहे हो, उसमें आपको ये जरूरी नहीं लगता कि बच्चे ये भी जाने कि वो आज किस तरह के वक्त से होकर गुजर रहे हैं? मैं कोई करप्शन के मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा कहना है कि हमारे विकास की यात्रा का करप्शन कैसे आज एक कितना बड़ा मुद्दा हो गया. हर बात पर हमारे वक्त के घोटाले और स्कैम का जिक्र चलाता है, इन्हें कैसे हम नकार सकते हैं? तो इससे क्या सीख मिलती है? यही कि यही हमारा वे ऑफ लाइफ है. तो बच्चों, इसके लिए तैयार रहो और अपनी कमर कस लो, राइट? नहीं, लेकिन इसे जान के फायदा जरूर होगा. जैसे कि ब्रिटिश रूल के बारे में जानने से हमारी आजादी का पता चलता है. पता चलता है आजादी की कीमत का, ताकि हम उसे संजो के रख सकें, उसकी कद्र करें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें. आप कहना क्या चाहते हैं? क्या पॉइंट है आपका? यही कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं और जो आज की हकीकत है, उसमें जमीन और आसमान का फासला है. तो आपके हिसाब से करप्शन के एक चैप्टर से यह फासला मिट सकता है? क्या वाहियात ख्याल है, रिडिकुलस. करप्शन पे एक चैप्टर, ये करके हम चाह क्या रहे हैं? ऐसा पाठ पढ़ा के हम बच्चों को किस चीज के लिए इंस्पायर कर रहे हैं? जिंदगी का पाठ है, हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है उसे जानने का पाठ है, और उसे ठीक कैसे करना है उनके तरीकों का पाठ है. आपको क्या लगता है, गलत हरकतों की कहानियों से कुछ सीखा जा सकता है? लालच, ग्रीड के किस्सों से कुछ सीखा जा सकता है? बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है कि कैसे इसने हमारे मूल्यों और वैल्यूज को उधेड़ के ही रख दिया है, कैसे इसने हमारे अंदर की सच्चाई को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया. ये एक बदलाव हो सकता है. हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं जो इस बीमारी और इस बुराई से नफरत करती है, क्योंकि हमें भविष्य के लिए एक आशावादी और एक पॉजिटिव नजरिए को जिंदा रखना. ठीक है, आपके सुझाव, आपके तर्क नोट किए जा चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी एजुकेशन सिस्टम को इसकी अच्छाइयों के भरोसे छोड़ देना चाहिए. कम से कम हमारा एजुकेशन सिस्टम तो स्कैम और करप्शन से आजाद ही रहे तो अच्छा है. आपको लगता है कि ये इन सब से आजाद है? जो भी कदम उठाए गए उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना था, और जो मेरे ऊपर ये आरोप लगे हैं वो मेरे विरोधियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है मेरे खिलाफ. इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला करने से पहले मेरे इस पक्ष को ध्यान में रखा जाए. अदालत इस बारे में विचार करेगी. Thank you.
आप राकेश मोहन हैं? यस सर। कोर्ट को बताएं कि आप इस रिट के जरिए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये सारे बंडल्स प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्ती के रिजल्ट्स हैं, जो मैनिपुलेटेड है और फर्जी हैं। सरकार की ओर से मुझे 2200 टीचर्स की रिक्रूटमेंट के मैनिपुलेटेड और फर्जी रिजल्ट्स दिए गए और उन्हें अनाउंस करने के लिए कहा गया, लेकिन सर मैंने ऐसा नहीं किया और उन्हें सेफ कस्टडी में रखा। सही रिजल्ट्स दिसंबर 99 में ही तय हो चुके थे, जो मेरी ऑफिस की अलमारी में बंद थे। मुझसे पहले जो डायरेक्टर थे उन्होंने उसे सील बंद कर दिया था। 16 सितंबर 2000 को मैंने उसे खोला और उन्हीं रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया था सर। अगर मैं सही समझ रहा हूं मिस्टर राकेश मोहन, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार आपसे फर्जी रिजल्ट्स अनाउंस करवाना चाह रही थी। Yes. आपने ऐसा नहीं किया, सरकार की बात नहीं मानी, आपने वो किया जो सही था। ये तो एक स्कैम हुआ। Yes, sir. और ये सब हुआ है 2000 में, और आप इस मामले को आज उठा रहे हैं 2003 में, 3 साल बाद। सर, पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट मुझे काफी परेशान करती आई है। मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, FIR फाइल किए गए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज बिठाई गई है। मैं उनके इस प्लान, इस स्कैम का हिस्सा नहीं बना, इसलिए उन्होंने मुझे निशाना बनाया, मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है सर। लेकिन मैं फिर भी इन सब से लड़ता रहा, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो मैं कोर्ट में आया, ताकि पूरा देश जान सके कि ये सरकार कैसे काम कर रही है। और ये वो फर्जी परिणाम है जो सरकार आपसे अनाउंस करवाना चाह रही है? जी सर, मैंने ऐसा नहीं किया, उनके सामने घुटने नहीं टेके, उसी का भुगत रहा हूं सर। राकेश मोहन, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिनका कहना है कि उन पे राज्य के 22 जिलों में 2200 टीचर्स की रिक्रूटमेंट की मैनिपुलेटेड फेक लिस्ट रिलीज करने का दबाव डाला गया, जो कि उसने नहीं किया, और उसने अलमारी में सील्ड सही रिजल्ट्स को 16 सितंबर 2000 को रिलीज कर दिया, और इसीलिए राकेश मोहन को विक्टिमाइज किया जा रहा है। इस केस को ठीक से समझने के लिए हमें राकेश मोहन से मिलना पड़ेगा। सन 2000 में हुए घोटाले की दस्तक शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने सन 2003 में दी। उन्होंने अदालत में एक रिट एप्लीकेशन डाली और इसकी जांच का जिम्मा देश की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। सर, राकेश मोहन के खिलाफ स्टेट के सेक्टर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है, वो सरकार के इसी हरेसमेंट की बात कर रहा था। विक्रम, एक काम करो, तुम FIR की सारी डिटेल्स निकलवाओ, तब तक हम राकेश मोहन से बात करते हैं। राइट सर। मैंने जुलाई 2000 को डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के तौर पर ज्वाइन किया था। मिस्टर मोहन, ये जो फर्जी लिस्ट है जिसे आपने अदालत में पेश किया है, ये लिस्ट सरकार ने आपको कब दी? सितंबर 2000 में सरकार ने फर्जी रिजल्ट्स को तैयार किया था। अब सही रिजल्ट्स मेरे ऑफिस की अलमारी में सील बंद थे, तो 16 सितंबर 2000 को मैंने सही सील बंद रिजल्ट्स को डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऑफिसर्स और 4 जिलाधिकारियों की मौजूदगी में खोला था। अश्विन जी, नारायण जी, मनोज जी, राजेश जी, ये मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता मुझ पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी का इल्जाम लगे। वही वो सही रिजल्ट थे
जो हमने स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को अनाउंस करने के लिए भेजा था और 3 अक्टूबर 2000 को अखबार में छप गए थे। मिस्टर राकेश, जब आपने रिजल्ट्स को खोला उस समय आपके अलावा वहां और कौन कौन मौजूद था? डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के सुपरिटेंडेंट देवेंद्र सिंह, मेरे सेक्रेटरी मुकेश शास्त्री और 4 जिलों के शिक्षा अधिकारी अश्विन हरजाई, नारायण खेमका, मनोज ललवानी, राजेश गुप्ता। वो फर्जी लिस्ट जिसे राकेश मोहन ने अदालत में पेश किया है, चलो हम उसे ए लिस्ट कहते हैं, और उसके मुताबिक जो जेन्युइन लिस्ट है उसे हम बी लिस्ट कहेंगे, जो अलमारी में सील बंद थी और जिसे राकेश मोहन ने 16 सितंबर 2000 को बाहर निकाला और रिलीज किया। इसका मतलब ये है कि अब हमें बी लिस्ट को हासिल करना है। सर, वो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पास होने चाहिए। मिल रहा है, काम करो, वहां फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि हमारे हैं, लेकिन हाँ, हमारे आने की वजह मत बताना। सर, सर राकेश मोहन के खिलाफ स्टेट के सेक्टर पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। और राकेश मोहन का दावा है कि ये सब कुछ उसे हरास करने के लिए किया जा रहा है। सर, हाँ मिल रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के सुपरिंटेंडेंट देवेंद्र सिंह से कल सुबह की मीटिंग फिक्स हो गई है। गुड, सबसे पहले हमें बी लिस्ट को हासिल करना है, जो कि राकेश मोहन के हिसाब से जेन्युइन लिस्ट है। फिर इन दोनों लिस्ट को टैली करने के बाद ही हम जान पाएंगे कि ए लिस्ट फर्जी है या नहीं। उसके बाद ही हम गवर्नमेंट पे केस दर्ज करने के बारे में सोच सकते हैं। विक्रम, इन द मीन टाइम मैं चाहता हूं कि तुम टीचर्स के रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स बाहर निकालो। इंटरव्यूज कब हुए, कहां हुए, कितने एप्लीकेंट्स थे, मुझे सारी की सारी डिटेल चाहिए। सर, यस सर, टीचर्स रिक्रूटमेंट के रिजल्ट्स 3 अक्टूबर 2000 को अखबारों में अनाउंस किए गए थे। 2200 टीचर्स जी। फिर उन रिजल्ट्स को जुलाई 2000 में सील बंद कर दिया गया और 16 सितंबर 2000 को सील बंद अलमारी को खोला गया और लिस्ट रिलीज कर दी गई। यस सर। मिस्टर देवेंद्र, मुझे वो सिलेक्शन लिस्ट चाहिए। सर, हार्ड कॉपीज तो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होगी। जानता हूं, मैं सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूं। एंड आई एम श्योर सॉफ्ट कॉपी तो आपके ऑफिस में जरूर होगी। देवेंद्र, इस हार्ड डिस्क को हमें अपनी कस्टडी में लेना होगा। क्यों सर? वारंट है मेरे पास, दिखाऊं? मिल रॉय, इसे एनालिसिस के लिए एफएसएल भेज दो। यस सर। सर, डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट नवंबर 1999 में अनाउंस की थी अखबारों में इश्तेहार के जरिए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? हाँ सर, आमतौर पे ये काम सर्विस सिलेक्शन कमेटी करती है, पर यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने किया।
सर, ये हाई लेवल डिसीजन था जो सितंबर 1999 में लिया गया था। 2200 प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट का इश्तेहार नवंबर 1999 में अखबारों में आया। और इंटरव्यूज कब लिए गए? सर, स्टेट के 22 जिलों में से 7000 एप्लीकेशंस आई। सर, इंटरव्यू दिसंबर 1999 के पहले और दूसरे हफ्ते में लिए गए और सर तीसरे हफ्ते तक रिजल्ट तैयार थे। यानी कि रिजल्ट्स जो कि बी लिस्ट है राकेश मोहन के हिसाब से जेन्युइन लिस्ट, जिसे अलमारी में सील बंद रखा गया, और ए लिस्ट जिसे राकेश मोहन फर्जी कह रहा है वो उसे सितंबर 2000 में दी गई इस ओरिजिनल बी लिस्ट से बदलने के लिए, जो कि राकेश मोहन ने नहीं किया। विक्रम, अब हमें ये पता लगाना है कि ए लिस्ट जिसे अदालत में राकेश मोहन ने पेश किया वो कहाँ बनी है, कब बनी है, और बी लिस्ट कहाँ बनी है जो राकेश मोहन के हिसाब से असली लिस्ट है। मिस्टर मोहन, ए लिस्ट यानी कि फर्जी लिस्ट आपको किसने दी? बीएन सैनी के पर्सनल कंसल्टेंट कमलेश सिंह और ऑफिसर इंचार्ज ब्रजेश्वर लाल, इन दोनों ने सितंबर 2000 को मुझे फर्जी लिस्ट अनाउंस करने के लिए दी, लेकिन मैंने उसे दबा कर रखा और उनकी एक नहीं सुनी। राकेश मोहन झूठ बोल रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उस पर केस किया तो खुद को बचाने के चक्कर में सरकार पे कीचड़ उछाल रहा है। अदालत और आप लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसे आप लोग ए लिस्ट कह रहे हैं जो राकेश मोहन ने अदालत में पेश की है, ऐसी कोई लिस्ट बनी नहीं। अगर असल में कोई लिस्ट बनी है तो वो है जिसे अनाउंस किया गया था, जिसे आप लोग बी लिस्ट कह रहे हैं, जो आपको डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के हार्ड डिस्क से मिली है। वही जेन्युइन लिस्ट है जिसे 16 सितंबर को रिलीज किया। थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि क्या सच में कोई ए लिस्ट बनी थी? क्या राकेश मोहन अदालत और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहा था? क्या सच में वो एक विसिल ब्लोअर ही था, या फिर इस सब के पीछे उसका अपना कोई स्वार्थ था? अब ए लिस्ट सही है या बी, ये तो दोनों को टैली करने के बाद ही पता चलेगा। राइट सर, जो फेक लिस्ट है उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो उसे पहली से अलग करता हो, या उनके बीच कोई ऐसा फर्क होगा जो तुरंत पकड़ में आएगा। राइट, कैंडिडेट्स तो सेम है, लेकिन जिनका सिलेक्शन ए लिस्ट में हुआ है वो बी लिस्ट में सिलेक्टेड ही नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों में से एक तो फर्जी है। राकेश मोहन ए लिस्ट को फर्जी कह रहा है, ब्रजेश्वर और कमलेश कह रहे हैं कि ऐसी कोई लिस्ट बनी ही नहीं, लेकिन राकेश मोहन और बाकी सब उसी लिस्ट को असली कह रहे हैं जिसे राकेश मोहन ने अनाउंस किया। सर, राकेश मोहन ने जिस लिस्ट को सील अलमारी में से बाहर निकाला और कहता है कि वही लिस्ट सही है, सर मुझे उसी में गड़बड़ लगती है। सर, रिक्रूटमेंट के लिए हर कैंडिडेट को सर 20 में से नंबर दिए गए, बी लिस्ट जिसे सितंबर 2000 में रिलीज किया गया और कहा गया कि वही लिस्ट सही है, सर उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये देखिए 17, 18, 17, 17 सब जनरल कैटेगरी के लोगों को इसी तरीके के नंबर दिए गए, और सर रिजर्व कैटेगरी को ये देखिए 8, 9, 7, 9 इसी तरीके के नंबर दिए गए। ये तो एक पैटर्न है, पैटर्न जिसे कुछ खास लोगों की तरफदारी के लिए बनाया गया। बी लिस्ट को ही राकेश मोहन, यहाँ तक कि ब्रजेश्वर और कमलेश सिंह भी सही बता रहे हैं। मिल रहा है ए लिस्ट के रिजल्ट्स? सर, यहाँ कैंडिडेट्स के मार्क्स काफी नॉर्मल है। सर ये देखिए 5, 7 फिर 11, 11 से फिर 14 फिर ये 6, 8, 4, 13 और इसी तरह आगे भी है। अब यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, इंटरव्यू में जिस तरह नेचुरली मार्क्स दिए जाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राकेश मोहन हमें बना रहा है, ए को फर्जी कह के और बी को जेन्युइन कह के। सर कोई ना कोई मकसद जरूर छुपा है। मकसद तो है,
अब ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ए और बी लिस्ट कब कब बनी। विक्रम, उसके बाद ही हम इस केस में आगे बढ़ पाएंगे। हेलो। हाँ शमीम, हार्ड डिस्क की लिस्ट को स्कैन किया है, इसे सितंबर 2000 में बनाया गया था और ये बी लिस्ट दिसंबर 1999 में नहीं बनी थी। इसे 13 सितंबर 2000 को SLL कंप्यूटर्स में बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 में। थैंक्स सर। SLL कंप्यूटर ने बी लिस्ट बनाई थी और सितंबर 2000 में, ना कि दिसंबर 99 में। Are you sure? सर इसका मतलब है राकेश मोहन हमसे झूठ बोल रहा है। मिल रहा है, आर यू श्योर? शमीम ने यही कहा। यस सर, वो थोड़ी देर में रिपोर्ट्स फैक्स करने वाला है, बी लिस्ट जिसे राकेश मोहन ओरिजिनल होने का दावा कर रहा है। तो ये फेक लिस्ट है। आई सी, तो राकेश मोहन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विक्रम पता करो कि कहां है ये SLL कंप्यूटर्स। सर सर, आप जिस बी लिस्ट की बात कर रहे हैं वो हमारे ही सेंटर में सितंबर 2000 में तैयार हुई थी। और ये ए लिस्ट? सॉरी सर, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एक बात तो तय है कि एक लिस्ट दिसंबर 99 में बनी है और दूसरी सितंबर 2000 में। अब इन दोनों में से कौन सी फर्जी है वही इस मामले की असली कड़ी है और वही बता पाएगी कि आखिर ये घोटाला है क्या। सर एक बार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में चेक करते हैं जहाँ से ये लिस्ट रिलीज हुई थी। और विक्रम, वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? टीचर्स की रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन को रिसीव करने का जिम्मा इन्हीं लोगों का था। सर हो सकता है हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जो कहीं और से पता ना चला। यू राइट विक्रम, एक बार वहाँ भी कोशिश करके देख लेते हैं। हमें लिस्ट 17 सितंबर 2000 को मिली, हमने उसे कंपाइल किया और 3 अक्टूबर 2000 को न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया। ये देखिए, ये उस लिस्ट का गेट पास। हमारे ऑफिस में कुछ भी सामान आता जाता है उसका गेट पास बनाया जाता है। मिस्टर प्रीतम, दिसंबर 99 में जब एप्लीकेशंस आई थी तब आप ही के डिपार्टमेंट ने एंट्री फॉर्म्स को कलेक्ट भी किया था और सॉर्ट आउट भी किया था, am I right? Right, sir. इस समय हमारे पास रिजल्ट्स की दो लिस्ट हैं, ए और बी। ए लिस्ट जिसे इस समय के डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मिस्टर राकेश मोहन ने अदालत में इस दावे के साथ पेश किया है कि वो लिस्ट फेक है, फर्जी है और वो लिस्ट उन्हें सरकार ने दी थी घोटाला करवाने के मकसद से। राकेश मोहन का यह भी कहना है कि उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी और अपनी अलमारी में सील बंद जेन्युइन लिस्ट बी लिस्ट उसे उन्होंने 16 सितंबर 2000 को रिलीज किया और आपको भेजा। और आपको उल्टा लगता है, ए लिस्ट जेन्युइन है और बी फेक। हमें लग रहा है कि यह बहुत बड़ा रैकेट है। बी लिस्ट जिसे राकेश मोहन जेन्युइन और दिसंबर 1999 का बना हुआ कह रहे हैं, फॉरेंसिक एविडेंस के मुताबिक वो सितंबर 2000 की बनी हुई है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ए लिस्ट कब बनी थी। देखिए, ए लिस्ट कब बनी इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शक जरूर था कि 16 सितंबर 2000 को खुले बी लिस्ट से पहले भी एक लिस्ट और थी। और मिस्टर प्रीतम, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर देवेंद्र सिंह ने 25 अगस्त 2000 को सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म्स निकलवाए थे। देवेंद्र जी, जरा अपने डिपार्टमेंट से फास्ट काम करने को कहिए ना, हमने तो सारे एप्लीकेशंस प्रोसेस कर दिए और गीता जी ने तो जुलाई में हमसे कहा था कि ये रिजल्ट्स जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएं। टाइम तो लगता है ना प्रीतम जी, एक दो नहीं पूरे 2200 टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, काम लगातार चल रहा है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं इन्हें लिस्ट से टैली करना बाकी रहा है, हो जाएगा। मिस्टर देवेंद्र सिंह टैली करने के लिए सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स ले गए। एक मिनट, ये उनका गेट पास उनके सिग्नेचर के साथ। सर 25 अगस्त 2000 को देवेंद्र सिंह लिस्ट के साथ टैली करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेके गया था। सर इसका मतलब है 16 सितंबर 2000 से पहले कोई लिस्ट थी जो एग्जिस्ट करती है। सर ये ए लिस्ट हो सकती है, जेन्युइन लिस्ट। मिस्टर प्रीतम, गीता जी कौन है? गीता शिकर,
वो राकेश मोहन जी से पहले डायरेक्टर थे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रीतम। यू वेलकम सर। मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा ये मानना है कि ए लिस्ट ही जेन्युइन लिस्ट थी और अलमारी में भी ए लिस्ट ही सील बंद थी, जिसे बहुत ही चतुराई के साथ बी लिस्ट के साथ बदल दिया गया। मिस्टर देवेंद्र, जरूरत पड़ने पर हम आसानी से अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं और आपको यहां से ले जा सकते हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ सच बताएं। सर, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मेरे पास इतना पावर नहीं है कि। लेकिन हमारे पास बहुत पावर्स है मिस्टर देवेंद्र। बताइए वो लिस्ट कहां बनी थी? सर, दिसंबर 1999, आरएनएस कंप्यूटर्स, विवेक बहल। ओह, तो यहां है घोटाला, आरएनएस कंप्यूटर्स। आप जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारे सेंटर में दिसंबर 1999 में बनी थी। कौन सी डेट को? एक मिनट, 27 दिसंबर 1999 को हमने इस ए लिस्ट को कंपाइल किया और उसके बाद में मनोहर पांडे, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऑफिस में भेज दिया। ये मिस्टर मनोहर पांडे, ये गीता सिकंद से पहले के डायरेक्टर थे, राइट? जी हाँ सर। मिस्टर बहल, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए मुझे आपकी हार्ड डिस्क को अपनी कस्टडी में लेना होगा। अब हमारे पास पुख्ता सबूत है कि राकेश मोहन झूठ बोल रहा है, ए लिस्ट ही जेन्युइन है और बी फर्जी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि राकेश मोहन ऐसा कर क्यों रहा है। सर, मनोहर पांडे से कल मिल सकते हैं उसके घर पर। विक्रम, एक काम करो, इस मनोहर पांडे का सारा बैकग्राउंड बाहर निकालो। सर सर सर, ये मनोहर पांडे अप्रैल 2000 तक डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन थे, उसके बाद उनका तबादला हो गया और इस बीच गीता सिकंद डायरेक्टर थी। सर, मनोहर पांडे का सर्विस रिकॉर्ड बेदाग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग और इनकरप्टेबल। सर, अब मुझे यकीन होता जा रहा है विक्रम, ए लिस्ट ही जेन्युइन लिस्ट है। ए लिस्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसे राकेश मोहन ने फेक लिस्ट कहकर पेश किया, वही ओरिजिनल और जेन्युइन रिजल्ट लिस्ट है। बी लिस्ट फर्जी हो सकती है। मिस्टर पांडे, अगर आप सब कुछ जानते थे तो आप ही ने उस लिस्ट को रिलीज क्यों नहीं कर दिया? मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सूचित किया था, लेकिन वो इसे रिलीज नहीं करना चाहते थे, और इससे पहले कि मैं कुछ करता, मेरा तबादला हो गया और मेरी जगह गीता सिकंद आ गई। लेकिन गीता सिकंद ने भी ए लिस्ट को रिलीज नहीं किया। इसका जवाब तो वो ही दे सकती हैं। जहां तक मैं जानता हूं, ए लिस्ट ही जेन्युइन लिस्ट है। डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर मनोहर पांडे ए लिस्ट को रिलीज करना चाहता है, लेकिन उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। उसके बाद उसकी जगह गीता सिकंद पद संभालती हैं, लेकिन ए लिस्ट फिर भी रिलीज नहीं होती। उसके बाद एक तीसरा डायरेक्टर राकेश मोहन पद संभालता है और एक नई ही लिस्ट रिलीज करता है, बी लिस्ट। और फिर 3 साल के बाद वो आके ये कहता है कि ए लिस्ट फर्जी है जो गवर्नमेंट ने उसको दी थी रिलीज करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जबकि बाकी सभी अधिकारी एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई लिस्ट थी ही नहीं। सर, दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। सर, गीता सिकंद कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है, वो हमसे कल मिल सकती है। गुड। जी हाँ, मैंने अप्रैल 2000 में मिस्टर मनोहर पांडे के बाद पद संभाला और जुलाई 2000 में मुझे रिलीव कर दिया गया। अप्रैल से जुलाई 2000, यानी कि 4 महीने। क्या मैं जान सकता हूँ 4 महीने ही क्यों मैम? क्योंकि मैंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया था। आप थोड़ा और खोल के बताएंगी? जैसे ही मैंने अप्रैल 2000 में ऑफिस ज्वाइन किया, मुझे और मेरे कलीग्स प्रदीप कुमार, जो इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट में थे, और दीपांशु दे, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, हम तीनों को
एक मीटिंग के लिए बुलाया गया मिस्टर कमलेश सिंह के साथ। और किस बारे में थी ये मीटिंग? एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? नो आइडिया। पर्सनल कंसल्टेंट ने बुलाई है मीटिंग। गीता जी, आपके डिपार्टमेंट में टीचर्स के रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन लिस्ट है? जी हाँ, 2200 टीचर्स सिलेक्ट की गई थी, वो लिस्ट है हमारे पास। दरअसल सरकार उस लिस्ट से नाखुश है। मैं कुछ समझी नहीं। वो लिस्ट तो 22 जिलों की डिस्ट्रिक्ट कमिटीज ने इंटरव्यूज के बाद तैयार की थी। हाँ, वो लिस्ट तो एकदम सही लिस्ट है। और पहले के डायरेक्टर मिस्टर मनोहर पांडे ने उस लिस्ट को रिलीज करने की बात भी की थी। मैं समझता हूँ, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं लगता, इसलिए उस लिस्ट पे दोबारा विचार करना चाहती है। आप खुलकर बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं? गीता जी, प्रदीप जी, दिवांशु जी, आप लोग सीनियर ऑफिसर हो, मुझे नहीं लगता ये समझने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी। आप जरा खुलकर बताएंगे तो समझने में आसानी होगी। खुलकर बोले तो लिस्ट बदलनी है और नई लिस्ट बनानी है। क्यों? हम जिनको रिक्रूट करना चाहते हैं उनके लिए। ये तो घोटाला है। आप सरकार के लिए काम करते हैं या सरकार के खिलाफ? उसके बाद जो भी हुआ, हमने जो भी देखा और सुना, मैं आपको सब सच सच बता सकती हूँ, लेकिन क्या आप में हिम्मत है सच को सामने लाने की, दोषियों को सजा दिलवाने की? हमें पहले ये तो पता चले कि दोषी कौन है और सच क्या है। पहले हमें लगा कि इस घोटाले की सारी प्लानिंग ब्रजेश्वर लाल और कमलेश सिंह कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जा रहे थे। पर हमें सबसे बड़ा शौक तब लगा जब वहां राम कुमार सैनी आए। राम कुमार सैनी, बीएन सैनी का भतीजा। ये सरकार का डिसीजन है, लिस्ट बदली जाएगी। अभी जो आप लोगों के पास लिस्ट है उसके बदले एक नई लिस्ट तैयार कीजिए। लेकिन ये ऑफिशियल लिस्ट है, अगर आप लिस्ट बदलवाना भी चाहते हैं तो भी ऑफिशियल सर्कुलर्स तैयार करवाने पड़ेंगे, नए सिरे से अनाउंसमेंट्स करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। आपके पास में जो लिस्ट है उसे कूड़े में फेंक दीजिए और एक नई लिस्ट तैयार कीजिए। इस काम में ब्रजेश्वर लाल और कमलेश जी आपकी मदद करेंगे। सॉरी सर, मैं आपके कहने से लिस्ट नहीं बदल सकती, ये गलत है, गैर कानूनी है। मुझे भी ऐसे किसी घोटाले का हिस्सा नहीं बनना है। और मुझे भी। सॉरी। राम कुमार सैनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री बी एन सैनी का भतीजा, वो लिस्ट बदलना चाहता था, पर जाहिर सी बात है सरकार की रजामंदी के बिना तो ये मुमकिन नहीं था। इसका मतलब ए लिस्ट, जिसे राकेश मोहन ने अदालत में इस दावे के साथ पेश किया कि वो फर्जी है, दरअसल वही जेन्युइन लिस्ट है। जी हाँ, आई एम क्वाइट श्योर। सर, इस केस की जांच अभी शुरुआती स्तर पे ही है, लेकिन इसी दौरान हमारे सामने कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें आई हैं।
मिस्टर राकेश मोहन ने जिस ए लिस्ट को इस दावे के साथ अदालत में पेश किया कि वो फेक है, सर दरअसल वही लिस्ट ओरिजिनल है और हमें पूरा पूरा शक है कि जिस बी लिस्ट को वो जेन्युइन कह रहे हैं वो लिस्ट फेक है। तो फिर वो अदालत और जांच एजेंसियों को क्यों गुमराह कर रहा है? सर ये केस जैसा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है ये उससे भी काफी बड़ा स्कैम है। अब इस पूरे स्कैम में राकेश मोहन का क्या मकसद है इस बारे में हम जान नहीं पाए, लेकिन वो बेदाग नहीं है और ना ही कोई विसल ब्लोअर है। सर हमारा ये मानना है कि राकेश मोहन भी इस घोटाले में बराबर का भागीदार है। सर ये आपसी अनबन का मामला लगता है। आपको शक है इसमें कुछ ऊपर के लेवल के लोग भी शामिल हैं? जी सर, रामकुमार सैनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर थोड़ी गहराई से जांच की जाए तो हो सकता है सर कि श्री बी एन सैनी भी इस घोटाले में शामिल हो। चार्जशीट फाइल करने के लिए हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। आप अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। राकेश मोहन डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने स्पेशल कोर्ट में एक रिट एप्लीकेशन फाइल की थी और उसमें उन्होंने कोर्ट को यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हें हैरेस कर रहा है क्योंकि उन्होंने प्राइमरी स्कूल टीचर के रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन की फर्जी लिस्ट को जारी नहीं किया था। अब यह पूरा मामला सर के बल उलट गया था। लिस्ट ए जिसे राकेश मोहन ने अदालत में फर्जी कहकर जमा कराया था वही शायद अब प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट की जेन्युइन लिस्ट लग रही थी और दूसरी लिस्ट बी जिसे उन्होंने जारी किया था वो फर्जी लग रही थी। राकेश मोहन एक विसल ब्लोअर अब एक ऐसे अपराध के भागीदार लग रहे थे जिस अपराध में प्रशासन के कई लोगों के अलावा एक संसद सदस्य के शामिल होने की आशंका भी थी। 2200 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सरकारी स्कूलों में भर्ती, वो टीचर्स जो कई स्कूलों में बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और उन्हीं टीचर्स के रिक्रूटमेंट में घोटाला। कल रात हम आपको दिखाएंगे इस संगीन करप्शन के मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहें। जय हिंद।